विनायका भाई मानसी, सो टुडे वी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है. इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है हमें. ये जो भी इक्वेशन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज ये बतानी है. इसमें क्या है देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो. यहाँ पे -4/5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और -4/5 है. नंबर सेम है दोनों में और आंसर इनका -4/5 दोनों का कॉमन दिया हुआ है यही. ठीक है, इसमें जगह चेंज हो रही है बस, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जब भी जगह चेंज हो रही हो, आंसर में कोई फर्क ना पड़ रहा हो, सेम आंसर हो तो कॉम्यूटेटिव होती है, ऑब्वियसली यही दिमाग में आएगा. बट जब भी 1 से बड़ा कोई नंबर होगा ना जो चेंज हो रहा है तो हम कॉम्यूटेटिव लिखेंगे. लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट अगर 1 से ही हो रहा है तो इसको क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लीकेटिव. और साथ में रीजन भी दे देंगे, बिकॉज प्रोडक्ट इज विद 1. अगर 1 से कोई बड़ी डिजिट होती तो हम इसको क्या बोल देते, ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव है. बट यहाँ सिर्फ 1 से हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, कोई और बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि जगह चेंज कर देंगे 1 से. वैसे भी हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, तो प्रॉपर्टी का क्या ही यूज होगा. इसलिए मल्टीप्लीकेटिव लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव नहीं. अब आते हैं सेकंड पे. इसमें ध्यान से देखो, इसमें भी सेम सिचुएशन है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, 1 से बड़ा नंबर है. देखो वैसे तो माइनस का साइन है, छोटा ही है, बट देखो अदर देन 1 नंबर है, जगह चेंज हुई है बस और कुछ चेंज. इक्वल टू में लिखा हुआ है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो. जब जगह चेंज हो रही है और 1 से कोई अनदर नंबर है तो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ योर 5th क्वेश्चन. ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. देखो इसमें क्या हो रहा है, 19/29 है, मल्टीप्लाई बाय 29/19 इज इक्वल टू 1. इसमें क्या हो गया, रेसिप्रोकल. जब रेसिप्रोकल होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. और प्रोडक्ट भी देखो 1 है, रूल तो हमने पढ़े ही है ना. रेसिप्रोकल हो रहा हो और आपस में प्रोडक्ट करने पर 1 आ रहा हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. ओके, नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज जो हमारा बचा हुआ है. बाकी की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो आपने क्वेश्चंस नहीं किए आप वहां से चेक कर सकते हो. तीनों प्रॉपर्टीज भी उनमें मैंने समझाई हुई है, जिस जिस क्वेश्चन से वो रिलेटेड है. अब ये वाली प्रॉपर्टीज जो भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अब ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस इक्वेशन. मतलब इसमें भी आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है. अब देखो, पहले ब्रैकेट यहाँ था, अब ब्रैकेट यहाँ हो गया है. पहले 4/3 के साथ था, अब 6 किसके साथ एसोसिएट कर दिया, 1/3 के साथ. एसोसिएशन चेंज हो रही है, ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं. क्यों, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो पाए. जब ब्रैकेट्स चेंज हो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव, क्योंकि एसोसिएशन बन रही है. पहले इसके साथ एसोसिएटेड था, अब किसके साथ हो गया, पहले 4/3 के साथ एसोसिएटेड था 6, अब हो गया 1/3 के साथ. तो विदाउट एनी डाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच.